जैसा कि हम सब जानते हैं, डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी नौणी देश की नामी यूनिवर्सिटियों में गिनी जाती है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी 11वें नंबर पर रैंक्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन इस साल देखने में आया है कि जितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन में इंटरेस्ट जाहिर किया था, उनमें से केवल 50% ही फाइनली अपने आप को अभी तक रजिस्टर करा पाए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस में जो थोड़ा सा चेंज लाया गया है, शायद स्टूडेंट्स इस बात से अवगत नहीं है, और इनकी जानकारी के लिए हम दो तीन बातें क्लैरिफाई करना चाहते हैं ताकि वो ये एडमिशन की इस अपॉर्चुनिटी को गंवा ना बैठें। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिन कैंडिडेट्स ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रजिस्टर कर लिया है लेकिन अपनी पेमेंट नहीं की है, वो अपनी पेमेंट ज़रूर कर दें। वेबसाइट के माध्यम से ही पेमेंट होनी है। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको एडमिशन और काउंसलिंग में कंसिडर नहीं किया जाएगा। नंबर दो, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी पेमेंट कर दी है लेकिन जो पेमेंट का प्रूफ है उसको अपने फॉर्म में अपलोड नहीं किया है वेबसाइट पे जाकर। तो यदि अगर आपने अपनी पेमेंट कर दी है फॉर्म भरने के बाद, तो उस जो प्रूफ ऑफ पेमेंट है उसको अपने वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके दोबारा लॉगिन करें और उस प्रूफ को अपलोड करें ताकि आपका कैंडिडेचर कंसिडर किया जा सके। मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हालांकि BSc की नॉर्मल सीट्स और MSc की नॉर्मल एज वेल एज सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स को इस साल ICR के एग्ज़ाम के थ्रू एंट्रेंस किया जा रहा है, लेकिन जो BSc की सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स है और जो PhD मैनेजमेंट और MBA जनरल की सीट्स हैं, इनको ऑन बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम या फिर HP मैट के आधार पर भरा जा रहा है। इसका यह मतलब है कि जिन लोगों ने ICR का एग्ज़ाम नहीं भी दिया है वो भी BSc सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स के लिए एलिजिबल हैं, और अगर वो HP मैट का एग्ज़ाम देते हैं तो वो मैनेजमेंट की MBA जनरल सीट के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। मेरा इनसे रिक्वेस्ट है कि 30 तारीख से पहले फॉर्म सहित एडमिशन अपनी फ़ीस जमा करें और ताकि आपका कैंडिडेट काउंसलिंग में कंसिडर किया जा सके।